स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम ए बायोजेनेसिस भी बुलाते हैं। ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, ये बोलते थे कि जनरेशन हो जाता है लाइफ का, लाइफ फॉर्म्स का, नॉन लिविंग मैटर से, और वो भी स्पॉन्टेनियसली, मीन्स कि बहुत ही कम टाइम में, बहुत जल्दी एकदम से नई लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो दिस वाज़ द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इसको बड़े बड़े ग्रीक फिलोसफर्स, जो ग्रेट थिंकर्स थे, वो इस थ्योरी को फेवर करते थे, लाइक थेल्स हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, इनको बहुत ग्रेट ग्रीक फिलोसफर्स माना जाता है। ठीक है, तो दे वर फेवरिंग दिस एंड दे वर सेइंग कि जो नाइल रिवर है, उसकी जो मड है, नाइल की मड, मड पे जब सनलाइट पड़ती है, सन की हीट से वहां पर लाइफ जनरेट हो जाती है, लाइफ जनरेट होती है। कुछ छोटे मोटे माइक्रोब्स की बात नहीं कर रहे थे वो, दे वर टॉकिंग अबाउट स्नेक्स, दे वर टॉकिंग अबाउट टोड्स, फ्रॉग्स, इवन क्रोकोडाइल्स। ठीक है, वो कह रहे थे सारी लाइफ आती है जब मड में सनलाइट पड़ती है। ठीक है, सो इनके अकॉर्डिंग लाइफ ऐसे नॉन लिविंग मैटर से जनरेट हो सकती है। यहाँ पर वेन हेलमंट है, उन्होंने कहा कि अगर ह्यूमन स्वेट और वीट ग्रेन्स को एक साथ रख दिया जाए तो वहां पर माइस पैदा हो जाते हैं। मीन्स की ह्यूमन स्वेट में और वीट ग्रेन के कॉम्बिनेशन से लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है, नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हो सकती है, ये उनका कहना था। ठीक है, पर इस थ्योरी को डिसप्रूव करने के लिए यहां पर तीन साइंटिस्ट हैं, फ्रांसिस कोरेडी, लिजारो स्प्लेंजनी, ये दोनों ही इटालियन साइंटिस्ट हैं, एंड लुइस पाश्चर। तो इन तीनों ने क्या किया था, मेनली दे ऑल पुट सम, इन्होंने क्या किया, कुछ थोड़ा मीट लिया, रख दिया किसी जार में, कवर्ड जार था, उसमें कोई लाइफ नहीं आई, अगर वो अनकवर्ड था तो उसमें फ्लाइज आ गई और फिर उसमें कोई ना कोई इंसेक्ट, मैगट्स वगैरह डेवलप हो गए थे। तो दे वांटेड टू डिस्प्रूव दिस थ्योरी, ओके, कि लाइफ नॉन लिविंग से नहीं आ रही, वहां पे कुछ लाइफ विजिट कर रही है, ओनली देन वहां पर लाइफ जनरेट हो रही है। एंड लुइस पाश्चर का इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ही यूज्ड स्पेशल फ्लास्क, वो फ्लास्क जो थे उन फ्लास्क में ऊपर से उन्होंने क्या किया, उसकी जो नेक थी उसको टर्न कर दिया था ऐसे, इसको बोलते हैं स्वान नेक, ऐसे कुछ फ्लास्क थे, दिस टाइप ऑफ फ्लास्क। तो जो नॉर्मल फ्लास्क लिया जिसमें ऐसे सीधा था, इसका माउथ जो था सीधा था, ओपन हो रहा था, और दूसरा स्वान नेक लिया, तो जो स्वान नेक वाला था उसमें थोड़ा और ये ऐसे था, टर्न हुआ था। तो इसमें क्या था, जब भी यहां पर उन्होंने क्या रख दिया, एक ब्रॉथ बना के रख दिया। ठीक है, इसको बॉइल करके अच्छी तरह से पूरी तरह स्टरलाइज करके डाल दिया। ठीक है, उसमें कुछ भी लिविंग मैटर को बॉइल कर दिया, जिसे लाइफ खत्म कर दिया, बिल्कुल स्टरलाइज था, मीन्स देयर वाज नो माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट। ठीक, देन इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन इसमें कोई भी लाइफ नहीं आई, इसको उन्होंने कई वीक्स तक रख लिया, मंथ्स तक रख लिया, 4 मंथ्स रख के भी लाइफ अपियर नहीं हुई, इसमें लाइफ अपियर हो गई, इसमें फ्लाइज आ गई, इसमें मोल्ड्स आ गए, फंगस आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ही कंक्लूडेड कि जो एयर है, एयर से आती है लाइफ, लाइफ नॉन लिविंग मैटर से नहीं आ सकती, लेकिन एयर से आएगी, और एयर के साथ माइक्रोब्स आएंगे, स्पोर्स आएंगे, वट एवर, बट नॉन लिविंग मैटर से नहीं आएगी। तो क्योंकि यहां पर क्या होता था, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे, जितने भी माइक्रोब्स थे, सारे इस स्वान नेक में यहां पर फिल्टर होके एयर जा रही थी। ठीक है, सब यहाँ ट्रैप हो जाते थे, दैट्स व्हाई वहां पर लाइफ अपियर नहीं हो रही थी। सो इट वॉज लुइस पाश्चर हु डिसप्रूव्ड दिस थ्योरी। ठीक है, सो थ्योरी वॉज डिसप्रूव्ड, तो इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस वाज डिस्कार्डेड। फिर एक थ्योरी आई बायोजेनेसिस की, बायोजेनेसिस के लिए वो क्या बोलते थे,
कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो इसका मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होना जरूरी है। अगर पहले से लाइफ है तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां से हुआ, फर्स्ट लाइफ कहां से आई, दिस वाज द इसके अगेंस्ट ये व्यूज थे साइंटिस्ट के। तो जो बायोजेनेसिस, ये तो ए बायोजेनेसिस पढ़ा हमने अभी, बायोजेनेसिस थ्योरी भी आई थी बट दैट वाज आल्सो डिस्कार्डेड क्योंकि वो फर्स्ट लाइफ का अपीयरेंस कैसे हुआ वो नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये हो गई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस के मेनली जो दो साइंटिस्ट थे वो थे हार्वे एंड हंसले, टी एच हक्सले एंड हार्वे, ये दो साइंटिस्ट थे जो फेवर करते थे बायोजेनेसिस थ्योरी, बट दे वर नॉट एबल टू प्रूव इट। ठीक है, प्रूव द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। उसके बाद जो थ्योरी आई उसको बहुत साइंटिस्ट अभी तक भी मानते हैं, और वो थ्योरी है कि लाइफ एक्सटर्नल स्पेस से आई है, अर्थ पे बाहर से आई लाइफ, आउटर स्पेस से लाइफ आ गई, तो उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं, और इसके जो मेन जो इसकी फेवर में बोलते हैं वो है रिचर्ड, रिचर है और हेल्महोल्ट्ज़, एक वो साइंटिस्ट है हेल्महोल्ट्ज़, एक साथ नहीं बना दिया लेकिन ये दोनों इसकी फेवर में है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लाइफ एक्सटर्नल स्पेस से आई, कैसे आई, कुछ स्पोर्ट्स की फॉर्म में एक्सटर्नल स्पेस में लाइफ थी, वो किसी तरह से अर्थ पे पहुंच गई और यहां आके वो स्पोर्ट्स जर्मिनेट कर गए। ठीक है, तो ये जो है पैनस्पर्मिया थ्योरी, ये अभी भी कुछ साइंटिस्ट का फेवरेट सब्जेक्ट है, वो मानते हैं, दे स्टिल बिलीव कि लाइफ कहीं बाहर से आई है, एक्सटर्नल स्पेस से आई है, मीटियोर से आई है, मीटियोराइट्स आए अर्थ पे पहुंचे, उनके ऊपर कुछ स्पोर्ट्स थे, कुछ जर्म्स थे और वो यहाँ आकर जर्मिनेट कर गए, एंड देन ऑल लाइफ फॉर्म्स वर फॉर्म्ड। वो ये बिलीव करते थे कि आउटर स्पेस में सारे में ही लाइफ है, और ये लाइफ जो है वो ट्रैवल करके स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं स्पोर्ट्स, और वो किसी किसी प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये था, बट इस थ्योरी के अगेंस्ट जो है क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर इतना लो है स्पेस में कि उसको कोई भी लाइफ फॉर्म्स नहीं टॉलरेट कर सकती, देन देयर आर स्ट्रॉन्ग यूवी रेडिएशन एंड एक्सट्रीम ड्राइनेस है, उसको कोई भी लिविंग लाइफ फॉर्म, कोई भी किसी भी फॉर्म में हो, स्पोर्स हो, जर्म्स हो, व्हाटएवर, इट कैन नॉट टॉलरेट दैट ड्राइनेस, दैट स्ट्रॉन्ग यूवी रेज एंड दैट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। तो इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, एक दो स्कूल्स हैं साइंटिस्ट की, एक मानते हैं इस थ्योरी को, दूसरे बिल्कुल टोटली इसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, और फिर आती है नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।